कि वो जैसे उनका फेस है ठीक है, आप जरा सामने आ जाए हमारे पास, अगर ये स्किन टोन है सर पापा इधर बैठ जाओ, तो हम कैसे सिलेक्ट करें कि इनके ऊपर कौन सी बेस जो है वो खूबसूरत लगे? देखिए इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है ठीक है, ठीक है? अगर मैं इनको व्हाइट करूंगी तो ऑब्वियसली ये ग्रे लगेंगे ठीक है ना, तो मैं इनके ऊपर जो कलर इस्तेमाल करूंगी एमएम बेस का वो मौका ये लाते हैं ठीक है, ठीक है? और जब वो क्यों है, क्योंकि वो है ऑरेंज से डार्क टोन में ठीक है, ठीक है? डार्क कलर के ऊपर ऑरेंज टोन जो है वो उसको चमक देती है ठीक है, डार्क कलर के ऊपर बेज, ग्रे, न्यूट ये सारे कलर्स जो है वो उसको ग्रे कर देंगे। सो डार्क कलर के लिए जब भी हम ले तो उसमें ऑरेंज टिंट होना चाहिए, वो हमें दिखाएंगी ना कि कैसे इन पे अप्लाई करें और कैसे हम सिलेक्ट करें कि कौन सी सूट कर रही है, और साथ ये भी हमें बताएं कि ये वाली सूट नहीं कर रही है। आप मुझे मौका और एक चीज तो हमें पता चली कि जब हमने बेस लेने जानी है, हमने बेस जो है अपनी फोरहेड पे माथे पे ट्राई करनी है। So, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अपनी चीक बोन पे, अपने यहाँ पे इस साइड पे ट्राई कर लें, तो क्या ये भी मसरत आपा ठीक है कि आप यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर लें या आप यहाँ पे चेक करें? नहीं, आई थिंक यहाँ पे तो खैर चेक करने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि दीज आर द फोल्ड्स जो कि हमेशा नीचे की तरफ चले जाते हैं ठीक है, तो इसके ऊपर नेचुरली भी एक शेडो आता है ठीक है ना, तो अगर ये शेडो आ रहा है तो यहाँ पर आप कोई भी कलर लगा के क्यों चेक करते हैं? प्लीज चेक ऑन योर फोरहेड ठीक है, ठीक है? क्योंकि वो आपकी स्किन से क्लोज तरीन है बिल्कुल, और आप मिरर में देखते हैं, आप नेचुरल लाइट में भी चेक करिए अगर आपका दिन का फंक्शन है ठीक है। अच्छा, अब नाउ आई हैव गॉट दीज थ्री कलर्स ठीक है, अब अगर आप इनमें देखें जब आप इनको क्लोज लेकर आते हैं, इनको हम आगे लें, आगे लें ठीक है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर देखें कि ये बेज है ठीक है, ये ऑरेंज टोन है, और ये जो है एक वार्म कलर है ठीक है। अब अगर हम इनको मैं लगाऊंगी तो दिस इज द कलर विच यू यूज ठीक है, ठीक है? ये है लाते ठीक है, लगाइए ना थोड़ा सा, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ठीक है, और उसके साथ मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जो लोग गलती करते हैं ठीक है, कि जी आपने गोरा होना है, गोरा होना है ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई गोरा होना है, सो हम ये वाला बेस लगा लें तो इससे हम एकदम से देखे ना लग तो गोरे रहे हैं। So what to do? How to apply? जरा हाथ साफ कर लो ठीक है, सो पहले हमने अच्छी तरह से अपने हाथों को खुद साफ करना है, और उसके बाद हमने बेस लेकर जी और उसको अप्लाई करना है। प्लीज मेक श्योर कि आपका जो है फोरहेड, आपके फेस जो है वो क्लेंज हुआ हुआ ठीक है। So, अगर मैं आपको व्हाइट कलर लगा के दिखाती हूँ और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बहुत सी दफ़ा व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रशेस, ब्लेंडर्स, आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है ना ठीक है, आप जो आपने देखा होगा जो कि टीयर शेप में आता है ठीक है, आप उसके साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट प्रिपेयर योर स्किन, दिस इज ऑलरेडी मॉइस्चराइज ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक the fair color जो कि नॉर्मली लोग जो है अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ठीक है, कि जी हमें गोरा बना दीजिए। तो ये हमने इनके ऊपर ये फेयर कलर की बेस जो है जी वो अप्लाई की है, वैसे आप इसकी बात है गोरी तो हो गई है, गोरी तो हो गई, गोरी तो होने का आपको पता है ना क्रेज, बट नॉर्मली जब आप इसको अपने उसके हिसाब से देखती हैं नेचुरल लाइट में, नेचुरल उसमें, तो ये कलर जो है वो इनके स्किन के लिए नहीं है ठीक है, तो फेस पे ऐसा लगेगा जैसे कुछ लगा हुआ है, जैसे कुछ लगा हुआ है मैं ठीक है, स्पेशली आंखों के नीचे लगा के देखें अगर ठीक है, ठीक है? सो ये एक जो टेस्टर वहाँ पड़े होते हैं उसे जरा खुले दिल के साथ इस्तेमाल करें, वो है इसीलिए, और वो है इसीलिए उसको अप्लाई करके आप अपने ऊपर अच्छी तरह ट्राई करें और फिर स्पेंड करें आप बेस के ऊपर, क्योंकि बेस जो है नॉर्मली सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और आमतौर पे नॉर्मली ये जरूरी है कि जब आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू कवर योर स्किन, तो आप काइंडली इसको बेशक पैसे थोड़े से ज्यादा हो ठीक, लेकिन होने ज्यादा चाहिए। सो ये एक साइड हमने आपको दिखाई जहाँ गोरा होने के शौक में हमने एक ऐसी बेस लगाई है जो हमें लग रहा है कि हमें गोरा कर देगी, लेकिन उसका इफेक्ट ही आ रहा है। अब दूसरी बेस जो है वो हमने जो सिलेक्ट की
वो है जो इनकी स्किन टाइप के हिसाब से. सो जो लोग भी जरा डार्कर टोन के हैं उनके लिए जो इस वक्त मसरत आपा बेस सजेस्ट करें, जो जिनको लगता है कि उनका स्किन टोन थोड़ा सा इस तरह से गंदमी है, तो उनको आप इस कलर जो हमारे रेंज है उसके अंदर वार्म कलर का एक पूरा पैलेट मौजूद है. नंबर क्या है? ठीक है, ये कहलाता है लाते. दिखाइएगा लाते. ओके, और इसके साथ आपके हाथ में मौका है. सो लाते जो हमने पहले लगाया है ये मौका नहीं, वो फेयर था. वो फेयर था, ठीक है. सो ये लाते कलर जो है ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया. ठीक है, सो अब आप खुद देख सकते हैं कि इसके अंदर एक व्हाइट टिंच आ रही है और इसके अंदर जो है एक ऑरेंज टिंच है, जो इस बिल्कुल आप इस लाइन के साथ देखेंगे तो आपको नजर आएगा. ठीक है, लेकिन जो एक गलती होती है वो मैं आपको बताऊं. मैं भी बेस लेने जाऊंगी ना और मैं अप्लाई करके देखूंगी तो मुझसे बताओ मैं इस वाले को पिक करूंगी. आप मुझे बताइए कि मेरा फैसला गलत होगा. फिर मुझे लग रहा है कि यार ये जरा फेयर टोन भी दे रहा है, जरा फ्रेश लुक भी दे रहा है और जरा सा आपको एनहांस भी कर रहा है. सी, बात सिर्फ ये है फरा कि अगर आप एक माइंड सेट के साथ जा रही हैं और आपने गोरा ही लगना है, ठीक है, तो मैं क्या ही समझाऊं और आप क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आना. ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी अकल जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि एक डार्क स्किन जो है वो सफेद लगेगी. सिर्फ चेहरा, आपका हाथ, आपका जिस्म का बाकी हिस्सा, आपके कान, ये सारी चीजें जो होती हैं साथ मैच करनी चाहिए. मैच करनी चाहिए, बिल्कुल सही, वरना ऐसे लगेगा चेहरे पे आपने कोई मास्क लगाया हुआ है. डन जी. सो ये सिलेक्शन ऑफ बेस की कुछ बात होगी, कुछ बातें जो है ये स्टाइलिंग के हवाले से और लिपस्टिक के हवाले से भी. ब्रेक पहले ले रहे हैं और हो रही है फिर आपसे मुलाकात. बनाना चाहिए हमें लिप्स के जो ना डिफरेंट शेप्स, उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए अगर आपके बारीक लिप्स हैं तो उनको आपने अगर चौड़ा करना है, ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन ना बनाए कि साफ नजर आए कि आपने कुछ किया करने की कोशिश की है. ठीक है, सो इट हैज टू गो नेचुरली. और वो क्या तरीका है? फिल इन करना जो है वो बहुत जरूरी होता है. जैसे इनके बारीक लिप्स अभी बने हुए हैं, हमने अभी हमने ये किया है कि इनके लिप्स के ऊपर एक. अब मैंने आपसे कहना है कि इसी लिप को मुझे थोड़ा सा एनहांस करना है. ठीक है, अच्छा, हमने नीचे लिप प्राइमर लगाया, ठीक है, लिप बेस लगा सकते हैं, आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं. ठीक है, आपका बजट जिस चीज की इजाजत है, ठीक है, प्राइमर एक्सपेंसिव होते हैं, लिप बाम आपको आराम से मिल जाएगा, आप कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिए सो देट आपके लिप पेट्रोलियम जेली लगा लीजिए, हल्का सा लगा लीजिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि ड्राई इफेक्ट देगी, हाँ, जैसे कि आज मैंने लगाई हुई है और कितनी अच्छी लग रही है. थैंक यू. तो फिर आपको नीचे जरूरी है कि आप थोड़ा सा उसके नीचे मॉइस्चराइज करें, तो नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूं, क्योंकि जो मैट लिपस्टिक्स होती है वो स्टे ऑन करती है. ठीक है, और अगर लॉन्ग लास्टिंग मैट लिपस्टिक है तो उसमें फिर आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर इसको आप बहुत थिक लगाएंगे तो वो लाइनें बन जाएंगी. ओके, ठीक है. द मोर यू ब्लेंड इट, अगेन द आर्ट ऑफ मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग. अगर आप उसको ब्लेंड करना नहीं सीखेंगे तो समझ ले कि आप जो है मेकअप अच्छा नहीं अभी तक कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट यू एम गोइंग टू डू इज कि मैं आपको इस तरफ जो है वो लिप्स को थोड़ा सा एनहांस करके दिखाती हूँ. ठीक है, सो आप देख रहे हैं हमने एक डार्क कलर पिक किया, ठीक है, बहुत खूबसूरत एक कलर, और उससे हमने उनकी होंठ का जो पहले आप एक अपनी नेचुरल शेप जो है आपकी उसमें आप लगा लें, जो एक शेप बना लें, और उसके बाद उसकी आउटर जो लाइन है मसरत आप उसको फॉलो करें, है ना, फॉलो करें थोड़ा सा ऊपर, इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमने इनके लिप्स को कहा था कि एनहांस करें, थोड़ा सा हमें बोटॉक्स इफेक्ट देना है. जी, अगर आप लगवा लें तो बहुत अच्छी बात, लगवा लेना चाहिए उसे. अगर आपको जरूरत है और अगर आपको लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि लगवाने से आप अच्छा फील करेंगी तो लगवा लें, बिल्कुल लगवा, है ना. लेकिन अगर आपको लगता है वो चीज जो कि आप टू मेक यू फील गुड, दैट मेक्स यू फील हैप्पी गुड एंड, मगर कोई भी चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ आपके फीचर्स के को खराब ना करें. ठीक है, अच्छा, सो व्हाट वी हैव डन इज दैट अगर आप देखें तो ये इनकी नेचुरल लाइन थी और ये हमने इसको थोड़ा सा एनहांस किया. अच्छा, अभी नीचे वाले लिप को थोड़ा सा और मोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और हम इसे बोटॉक्स लगा दें. सो ये वो नेचुरल तरीके हैं कि जिसके साथ वो जो कहते हैं आज तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं.
तो उसमें एक दिन हमने अगर अपने लिप्स को नेचुरल शेप पर रखा है, अगले दिन हमने उसे थोड़ा सा एनहांस कर दिया है, स्पेशली फॉर स्पेशल ओकेजन, जबकि आपने, आपको पता है कि आप एक 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 पोजीशन पे बैठेंगी, आपका आप कितना इसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, लिप्स जो है वो बिल्कुल फर्क लग रहे हैं, लग रहा है एक साइड जो किसी एक बंदे की है, दूसरी साइड किसी और की। आप इसको अगर आप थोड़ा सा कवर करके देखें तो आपको नेचुरली पता चलेगा कि ये है, ठीक है, ये साइड इस तरह इस तरह से है। सो लिप एनहांस करने से इतना फर्क पड़ता है फेस से, इसलिए साथ ही मैं, जैसे हमने थोड़ी सी जैसे कॉन्टोरिंग की बात हो रही थी, अब ये एक दुबला चेहरा है, जैसे आपने कहा कि आपके यू नो फेस है छोटा, तो उसको और क्यों कंटूर करें, तो जस्ट अ हिंट ऑफ कलर हेयर, ठीक है, और उसके बाद आपने क्योंकि ये ब्राइट है तो आपने इनको थोड़ा सा शाइनर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि एक तरह से वो एक ग्लो करता हुआ फेस जो है वो नजर आए।